सहारा कांड के बाद गांव में होगा शुद्धिकरण। परिवार ने कहा अब और नहीं चल चाहते सीबीआई जांच। 28 सितंबर की रात गौ हत्या की सूचना के बाद अखलाक की पीट पीट कर की गई थी हत्या। नेपाल से नाखुश मधेशी नेताओं को नई दिल्ली से आखिरी आज सीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। कल मिल चुके हैं विदेश मंत्री से। देश में असहिष्णुता को चीफ जस्टिस ने किया खारिज बताया इसे राजनीतिक मुद्दा। कहा न्यायपालिका और लोकतंत्र के होते घबराएं नहीं। आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया बयान साथियों से कंधा मिलाकर करेंगे आईएस का खात्मा। इस्लाम से नहीं अमेरिका की जंग। हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर आज हो सकता है फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकती है अपना निर्णय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, घमंड को अपने जीवन से दूर कीजिए और आपके जो आपके अपने हैं वो आपके नजदीक आ जाएंगे। और चलिए आगे आपको आपका अपना लकी अक्षर भी मिलने वाला है राशि के अनुसार, इसके ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। पहले पुष्पा जी से बात कर लेते हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। मैम मैं साक्षी बात कर रही हूँ। अच्छा साक्षी जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल जी 1997 जी। समय 9:10 सुबह के। और प्लेस? प्लेस है मैम उत्तर प्रदेश यूपी गाजियाबाद। गाजियाबाद जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ, साथ में जॉब भी कर रही हूँ, तो मेरे को पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता। और मेरी पहले बीसीए करी थी वो भी मतलब एक साल बर्बाद हो गया, तो मैं क्या करूंगी आगे। एंड मेरा सेकंड सवाल है कि मेरी मैरिड कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। जी साक्षी, देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मंगलवार का जन्म आपका शुक्र की महादशा 2016 तक है। शुक्र आपके जन्मांक में चंद्रमा बुध और राहु के साथ सप्तमस्थ है। फिलहाल आपका जन्मांक वैवाहिक दृष्टिकोण से बेहद अशुभ और दूषित है। सातवें घर में राहु का उपस्थित रहना यह खुद अपने आप में बेहद कष्टकारक होता है और यही वजह बन रहा है चंद्रमा के साथ राहु है कि आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। बिना किए सब कुछ पाने की चाह और गलत रास्ते में गलत तरीके से कुछ पाना, यह भी आपके लिए सोच खराब है। पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा, रविवार के दिन गेहूं का दान करिएगा और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिएगा। शिक्षा अब आपकी अधूरी ही रह जाएगी, शिक्षा आप छोड़ दीजिए बेहतर होगा, क्योंकि फिलहाल योग नहीं दिख रहा और आप खुद स्वीकार करने की वक्त नहीं दे पा रही हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें जिससे आने वाला जीवन आपका समुचित ढंग से चले और संतुलित ढंग से चले। जी हाँ, और चलिए घमंड को तोड़ने के लिए और भी उपाय हैं हमारे पास, जैसे कि पारिवारिक रिश्तों में अगर आपकी खटास आई है, घमंड ही वहां पर भी वजह बना, तो ऐसे में आप क्या उपाय करें ताकि आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आए, आइए बताते हैं उपाय। परिवार में भी जो लोग हैं वो आपके घमंड से बेहद आतंकित रहते हैं, आपसे कटने लग जाते हैं, आपसे दूर दूर जाने लगते हैं और आपको लगता है कि अरे हम तो सब पर हावी हो चुके हैं। ऐसा भाव अगर आपके अंदर आ गया है, पुरुष हो या महिला, किसी के लिए भी घमंड शुभ नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सबसे ज्यादा तनहा और अकेला महसूस करेंगे। चलिए उपाय बताते हैं। यदि परिवार में आप घमंड के चलते मान सम्मान खोते जा रहे हैं तो उसे बचाया कैसे जाए, एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, 7 चुटकी काले तिल उस पत्ते पर डाल दीजिएगा, 3 बूंद शहद डालिएगा। शनि बुध मंगल के साथ शांत किया जाएगा, दुर्वा से गंगा जल उस पर छिड़किएगा। शुरुआत में बताया था कि राहु घमंड को पतन की तरफ ले जाने वाला कारक बनता है। सामने रख करके शिव के मंत्रों का जाप करें आप। यदि आप संस्कृत अच्छे से पढ़ सकते हैं तो रावण ने शिव तांडव की रचना की थी, शिव तांडव भी आप पढ़ सकते हैं। और ले जाकर के पत्ते को किसी बर्तन में रख करके और शिवालय पर आप लेके जाएं, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और ऊपर से गंगा जल का अभिषेक कर दीजिएगा। यह प्रयोग कुछ दिन मित्र लगातार करना पड़ेगा।
एक दिन में इस प्रयोग का असर आपको शायद न दिखने पाए, तो लगातार कुछ दिन करेंगे तो रिजल्ट जल्दी सामने आएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो आप सभी नोट कीजिए अपना अपना लकी चार्म लकी अक्षर राशि के अनुसार। दिनांक 7 दिसंबर 2015 है आज का, अब से लेकर कल अब तक का लकी अक्षर मेष वा अक्षर है, वृषभ का अक्षर आपके समक्ष नोट कर लें। मिथुन राशि ना अक्षर और कर्क के लिए पा, बढ़ते हैं आगे सिंह राशि के लिए या अक्षर और कन्या के लिए टा, तुला राशि के लिए जा अक्षर और वृश्चिक के लिए ड, धनु राशि के लिए फा अक्षर है और मकर के लिए बा, कुंभ राशि के लिए कुंभ के लिए भा अक्षर और मीन राशि के लिए छोटा आ मिल चुका है। रखें अपने पास लिख करके, इसको डेकोरेट कर लीजिएगा स्वास्तिक ओम आदि बना करके, लाल कलम से लिखना ज्यादा शुभ होता है और 24 घंटे अपने पास रख सकते हैं। जी हाँ, और घमंड की परिभाषा यहाँ पर हम आपको अच्छे से बता पा रहे हैं। घमंड, आचार्य जी, हम देखते हैं कई बार कि माता पिता जब अपने बच्चों से ज्यादा रूढ़ हो जाते हैं, कई बार संतान भी अपने माता पिता से दूरी बना लेती है, मुंह मोड़ लेती है, और वजह होती है कई बार पिता जो होता है उनको लगता है कि हमने कमाया है, हमने सब कुछ खड़ा किया है, इस तरह की बातें बोलते हैं पिता लोग जी, तो ये वजह हो जाती है कहीं ना कहीं पिता भी हावी होते हैं और घमंड उनमें भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि सब कुछ हमने ही तो बना के दिया है, अपने बच्चों के सामने परोसा है और ये बच्चे आज हमसे ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ जो घमंड है कहीं ना कहीं संतान और माता पिता के बीच में दूरियां बना रहा है, क्या उपाय बताएंगे ताकि यहाँ पे रिश्ते अच्छे हों? देखिए, इसके लिए अगर संतान आपके व्यवहार के चलते आपसे मुंह मोड़ ले, पिता का ये भाव, ऐसे हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से बता दें, पिता जिस भी तरह से है, हम पिता को देव की संज्ञा दे चुके हैं और हम उसमें कुछ भी आज फेरबदल नहीं करेंगे। संतान है आप और आप अपने संतान धर्म का पालन करें, संतान के कर्तव्य का पालन करें, पिता जैसे भी हैं पिता है तो बात ही खत्म हो जाती है। वो अगर गंदगी अपना लिए हैं, घमंड कर रहे हैं, तो क्या आप भी करेंगे, दूरी बनाएंगे? नहीं, आप पुत्र धर्म का पालन करें, वो पितृ धर्म भूल गए हैं तो ईश्वर उनको उसका दंड जरूर देगा, पुत्र से स्नेह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये उपाय आपके लिए है। एक केले का पत्ता लेना है, नोट कर लीजिएगा, और उस पर संतान का नाम लिखना है पत्ते पर। लिखने के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज से, केसर आदि से भी लिख सकते हैं। इसके बाद गुलाब जल का, रोज वाटर का, उस पर छिड़काव करिएगा और इस पत्ते को घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में टांग दीजिएगा। टांगने के लिए लाल धागा कलावा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं और जब ये पत्ता सूख जाए ईशान कोण में टंगे टंगे, तब जाकर के जल प्रवाह कर दें या किसी मंदिर आदि के प्रांगण में भी आप रख सकते हैं। पिता यह प्रयोग कर सकते हैं, संतान भी यह प्रयोग कर सकते हैं, दोनों रूपों में लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जी हाँ, और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे एक और मेल पर, जिनकी मेल हमारे पास आई है। इनका नाम है दिनेश सिंह, इलाहाबाद से हैं ये, और अपने बेटे आदर्श के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताई है 2/11/94, बर्थ समय है सुबह के 7:10, इलाहाबाद। इनका सवाल है कि कुंडली में इनके काल सर्प दोष है और चिंता की बात यह है कि ये बहुत झूठ बोलता है और जानना चाहते हैं कि इसी साल इनके 3 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कुछ उपाय बताएं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये, जन्मांक भी इनका चीख चीख की इस बात की तस्दीक करता है। कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि, सद्विषा नक्षत्र इनका है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इनके जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में बैठा है, जहां पर वृश्चिक राशि है। तुला लग्न है इनका, लग्न में ही सूर्य बैठे हैं। पिता के साथ संबंध विच्छेद इस जन्मांक में दिख रहा है। जन्मांक बेहद दूषित और पीड़ित है, इससे ज्यादा पीड़ा शायद ही किसी जन्मांक में हो। शनि चंद्रमा का विष योग भी इनके पंचम भाव में बैठा है। क्या करेंगे, हर इच्छा है, अब थोड़े में हम कितना बताएं आपको, बस इतना समझिएगा कि बच्चे पर अंकुश लगाएं आप, अन्यथा ये बच्चा आपके परिवार के लिए बहुत कष्टदायक विषय बन जाएगा। सूर्य राहु साथ है, सूर्य जहां पर नीच राशि में है, गलत लोगों का साथ, गलत लोगों के साथ धन की अभिलाषा, उत्कंठ, इच्छा, बहुत पीड़ित जन्मांक है।
रविवार का व्रत जल्दी से आप आरंभ कर दीजिएगा पिता के रूप में, और रविवार के दिन ही गायत्री मंत्र का 108 बार जाप भी जरूर करिएगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आपके जीवन से बड़ी समस्या दूर कर सकता है एक खास मंत्र। कौन सा है वो मंत्र और उस मंत्र के जाप को कैसे आपको करना है सही विधि विधान हम आपको आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आप न्यूज़ के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा करने का। नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हमने पिछले सप्ताह आपसे सवाल पूछा क्या था। हमने आपसे पूछा था कि इनमें से शुक्र संबंधी धातु कौन सी है। जो भी ऑप्शन हमने आपको दिए थे उनमें से सही जवाब था ए चांदी, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम है फरीदा शेख, भीमनगर महाराष्ट्र से ये हैं, और कुंडली हमारे साथ है। और फरीदा शेख जो है इनको हमने फोन लगाया है, चलिए इनसे बात करते हैं। फरीदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, और बधाई आपको आज की आप जो है कुंडली की विजेता बनी हैं। लगता है इनसे हमारा जो संपर्क है टूट चुका है, ये नेटवर्क एरिया में नहीं है और संपर्क इनसे नहीं हो पाया है फरीदा जी से जी। और इन्हें हम दोबारा कॉल लगा रहे हैं ताकि इनसे संपर्क हो पाए। फिलहाल जब तक आप कुंडली के माध्यम से कुछ बता पाए इनके जीवन के बारे में, और कंचन प्रश्न मिल जाता है तो थोड़ा आसानी होता है। वैसे हम अक्सर अपील करते हैं कि आप कम से कम 2 नंबर दिया कीजिए, और साथ ही साथ एक काम जरूर किया कीजिए कि नेटवर्क एरिया में आप होंगे तो आप आसानी से हमसे बात कर पाएंगे। अब इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिलहाल आप इनकी कुंडली आपके पास है। फरीदा जी देखिए कुंडली के अनुसार आपकी डिटेल हमारे पास है, और 1 दिसंबर 1986 रात को 3 बजे अर्थात 30 की रात 1 की सुबह ये जन्म है, और शिवगांव का है, कन्या लग्न आपका है और वृश्चिक राशि है। फिलहाल कन्या लग्न होने से, द्विस्वभाव लग्न होने से और लग्नस्थ केतु होने के कारण हमेशा इधर या उधर एक निर्णय पर पहुंच पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। प्रश्न मिल जाते हैं आपके तो हम उपाय भी लिख करके जो भेजते हो आसानी से भेज पाते, कोशिश किया जाएगा आपसे ऑफ एयर भी बात करने का हम प्रयास करेंगे जिससे आपको उत्तर जो है हम ढंग से दे पाए। फिलहाल इस समय वर्तमान गोचर में 7.5 के मध्य चरण से आप जूझ रही हैं, कई चीजें अधूरी छूट गई जिसका उपाय हम आपको लिख करके भेजेंगे, निश्चिंत रहिएगा। ईंट का दान करना है, किसी धार्मिक स्थान पर ईंट दान कर दीजिएगा, इससे थोड़ा आसान जीवन आपको जीने का मौका मिल जाएगा और जितने क्लिष्टता है जितनी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। जी हाँ, और फरीदा शेख जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, और ये कुंडली आप तक जल्द ही पहुंचा दी जाएगी। और
फिलहाल अब अगर आप सब भी जीतना चाहते हैं ऐसी ही कुंडली तो दीजिए आज के जो इस सप्ताह का सवाल है उसका सही जवाब। सवाल है क्रोध के कारक ग्रह का नाम बताएं। ये हमारा सवाल है और ऑप्शंस हैं ए चंद्रमा बी मंगल। सवाल और स्क्रीन पर ऑप्शंस आपके सामने हैं बी मंगल और सी शनि। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल ATM@liveindia.tv पर। और ध्यान ये रहे कि आपको अपने दो फोन नंबर और अपना एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजना है जी। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं किचन पिटारे की जी। तो आज इस पिटारे में क्या खास है आपके लिए आइए अब आपको दिखाते हैं। जी हाँ बिल्कुल तो बताएं आप सामग्री इसके अंदर जो है आज लेकर के आए हैं आपके लिए किचन से आपकी रसोई से तेजपत्ता। तेजपत्ता जिसका प्रयोग मसाले के रूप में होता है आज इससे दूर होगा मांगलिक कार्यों के मध्य में जो अड़चने आती है वो दूर हो जाएंगी। कुछ भी शुभ काम करने जा रहे हैं किसी को चोट लग जाना या कुछ अवरोध आ जाना कहीं से कोई अप्रिय समाचार मिल जाना क्यों होता है ऐसा हालांकि ग्रही कारण भी है लेकिन इसको दूर किया जाए। तेजपत्ते को अंग्रेजी में बे लीफ कहा जाता है। विटामिन सी पोटेशियम कैल्शियम आयरन जैसी खनिजों से ये भरपूर होता है पाचन शक्ति दुरुस्त करता है। अब ग्रहों की बात करें तो तेजपत्ते का कारक ग्रह बुध और केतु है। इसमें तीक्ष्ण गंध होती है जिसके कारण मंगल से भी इसका गहरा नाता है। अब प्रयोग नोट कर लीजिए आप 3 तेज पत्ते लेने हैं बड़े बड़े और एक लाल धागे में तीनों को बांध लीजिएगा। इसके बाद सरसों का तेल छिड़क करके अपने सर से 7 बार उल्टे दिशा में वार लीजिए और नंगे पांव ले जाकर घर के बाहर रख दीजिए। बहुत आसान सा प्रयोग है। प्रयास हमारा यही रहता है कि कोई भी उपचार हम बताएं तो इतना इजी बताएं कि ना चाह के भी आप करने के लिए मजबूर हो जाइए। करने के बाद इसको छोड़ दीजिए वहां पर। कोई भी मांगलिक कार्य से पहले अगर आप यह प्रयोग कर लेते हैं तो मांगलिक कार्य में कोई विघ्न और बाधा नहीं आएगी। जी हाँ और दिन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है आपका राशिफल क्या कुछ कह रहा है आइए आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल। अपनों का सम्मान करना ही चाहिए और यही आज मेष वालों से शुरुआत में हम कह रहे हैं। यात्रा का भी योग बन रहा है पीला रंग शुभ होगा 49% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि माताएं बहने अपनी सेहत पर ध्यान दें वस्त्रों का दान करें भूरा रंग शुभ है 63% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि मित्रों का सहयोग आज प्राप्त होगा लेकिन कर्ज के लेन देन से आप अपने आप को बचा के रखें लाल रंग की शुभता है 70% का भाग्य रहेगा। कर्क माता का सम्मान करें किसी का मन आज न दुखाइएगा पीला रंग शुभ रहेगा 64% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह राशि व्यापारिक यात्रा का संयोग आज बना हुआ है घर में कलह से बचना होगा लाल रंग शुभ रहेगा 56% का भाग्य आज सिंह वालों के सानिध्य में है। कन्या राशि किसी को धोखा ना दीजिएगा आज बड़ों का आदर करें गोल्डन रंग की शुभता है 49% का भाग्य सानिध्य में। जी हाँ और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे लेकिन ब्रेक के उस पार। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपकी समस्या का हल छुपा हुआ है मंत्र में। कौन सा मंत्र आपके जीवन से किस समस्या को दूर कर सकता है आज हम आपको बताएंगे दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब हम बात करेंगे बची हुई राशियों के आज के राशिफल के बारे में, यानी कि तुला से लेकर के मीन तक के जातकों का राशिफल जानते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए आज नया वाहन आप ले सकते हैं, जरूर शुभ रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य में भी लाभ मिल रहा है, हरा रंग शुभ होगा, 53% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता दूर हो रही, कार्य लेकिन बहुत ध्यान से करिएगा, मेहरून रंग शुभ होगा, 61% का भाग्य रहेगा। धनुराशि, मनोबल में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, घर का सपना पूर्णता की तरफ, सफेद रंग की शुभता, 69% का भाग्य आपका। मगर अपनी बातों को गुप्त रखें, किसी से ना बताइएगा, कार्य समय पर पूरा करें, लाल रंग की शुभता रहेगी, 70% का भाग्य रहेगा। कुंभ राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, धन प्राप्ति का योग है, सफेद रंग की शुभता रहेगी, 55% का भाग्य सानिध्य में रहेगा। और मीन, मौके मिले तो उसका लाभ जरूर लीजिएगा, मीठी वस्तुओं का दान शुभ होगा आज, गोल्डन रंग की शुभता रहेगी और 61% का भाग्य रहेगा। और बरेली से चरण सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जय श्री राम शास्त्री जी और कंचन जी, आपको भी मेरा जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। उनकी जन्म की तारीख है 23/24 यानी मिडनाइट की है, 12:05 की। अच्छा, सन भी बता दीजिए जी। 12:05 AM 24 अप्रैल 1991। कहाँ का जन्म भैया? जन्म स्थान है जी इनके मुरादाबाद का। मुरादाबाद जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मेरा सवाल ये है जी कि ये बार बार जो है सरकारी नौकरी के इंटरव्यू तक पहुंच जाता है और लास्ट में आके ये असफल हो जाता है। जी चरण जी, देखिए कुंडली इनकी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी हस्त नक्षत्र है, राहु की महादशा है, एक गौशाला में इनको भेज करके इनके हाथों से काले तिल गाय माता को खिलवाइएगा और हर बुधवार के दिन कुछ दान वस्त्र का इनसे करवा दीजिए, 2-4 बुधवार करवाएंगे नौकरी तुरंत मिल जाएगी, नौकरी का योग इनके बहुत प्रबलता के साथ चल रहा है। रविवार का व्रत भी करवा दीजिए क्योंकि सूर्य इनका उच्च का है लेकिन थोड़ा सा डिग्री इसका कम पड़ रहा है जिसके कारण नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी मिलनी तय है, निश्चिंत रहें, मस्त रहें। जी हाँ, और दुबई से बबीता जुड़ी हैं हमारे साथ, स्वागत है बबीता जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल भी पूछें। बबीता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी कंचन जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे बबीता जी। हाँ जी, मुझे ना अपने बारे में पूछना था जी, बताएं जन्म की तारीख। हाँ, मेरा जन्म है 19 अगस्त 1965 जी। समय? और समय है रात का 8:40, फिरोजपुर पंजाब जी। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, ऐसा मेरे ना थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है और डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। मीन लग्न आपका राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठा, ऑपरेशन का योग तो है लेकिन अभी इतना प्रबल नहीं चल रहा है, अभी आप पेशेंस रखिएगा, सन 2020 से 22 के बीच में ऑपरेशन का योग है, फिलहाल अभी आप काम चलाएं, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें, खान पान अनुशासित करिएगा, महामृत्युंजय अनुष्ठान एक बार बहुत विधि विधान से जरूर करवा लीजिए, सर्जरी से ठाकुर जी की कृपा रही तो आप बच जाएंगी, योग नहीं दिख रहा है, डॉक्टर कह रहा है, संभवतः वो झूठ बोल रहा हो, अपने आप पर इच्छा शक्ति पर आत्मबल पर विश्वास करें, लाभ दिखेगा। जी हाँ, और अब जाने से पहले आप सबको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमागहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी, कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साय से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर, और रुक करेंगे लाइव 50 का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर, और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर बयान दिया है। ओबामा ने कहा है कि आईएस और इसके जैसे दूसरे आतंकी